पूरे यूनिवर्स में चाहे कोई भी चीज हो, लिविंग या फिर नॉन लिविंग, हर चीज के एग्जिस्ट करने का एक आयाम यानी कि डायमेंशन होता है। और वहीं बात की जाए हम इंसानों की, तो हम इंसान 4 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप, मैं और हम सब सिर्फ और सिर्फ 4 डायमेंशन में होने वाली चीजों को ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं और 4 डायमेंशन में होने वाले इवेंट्स को ही देख सकते हैं और उन इवेंट्स में चेंजेस ला सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, लेंथ, विड्थ और हाइट हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डायमेंशंस हैं और टाइम 4th डायमेंशन। सोचिए दोस्तों, क्या कोई ऐसा डायमेंशन एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें गोस्ट्स या फिर सोल्स एग्जिस्ट करती हो? सोल्स यानी कि आत्माओं के डायमेंशन के एग्जिस्टेंस से पहले हमें ये जानना होगा कि क्या वैज्ञानिक तौर पर सोल्स यानी कि आत्माओं के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया जा सकता है या नहीं। धार्मिक रूप से देखा जाए तो हमारी धरती पर मौजूदा हर धर्म में ये माना जाता है कि डेथ के बाद भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, पर आफ्टर डेथ की जो लाइफ होती है वो हम जिंदा इंसानों के लिए नहीं बल्कि हमारी आत्माओं के लिए होती है। और वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो किसी भी चीज के एग्जिस्ट करने के लिए उस चीज की रेंज के डायमेंशन का एग्जिस्ट करना जरूरी होता है। अगर देखा जाए तो वैज्ञानिक तौर पर भी आत्माओं के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया जा सकता है। ये बात बहुत ही सिंपल है और इस बात को आपको साइंटिफिकली समझना होगा। हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग, सभी चीजें एनर्जी की एक फॉर्म होती है। यानी कि साइंटिफिकली आप, मैं और हम सब सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की एक फॉर्म है और किसी भी लिविंग बीइंग की डेथ के बाद सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यानी कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अपना रूप बदलती है, जिसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहते हैं विज्ञान की भाषा में। जिन भी लोगों ने ये लॉ पढ़ा है वो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। वी ऑल आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इवन द गोस्ट्स एंड द सोल्स आर आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तभी पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट अपने आसपास भूतों की प्रेजेंस को सेंस करने के लिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स एंड बाइनरी रेस्पॉन्सेस डिवाइस का यूज करते हैं। ये बात तो सच है कि वैज्ञानिक तौर पर गोस्ट और सोल्स के एग्जिस्टेंस को नकारा नहीं जा सकता, पर अगर गोस्ट रियली एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसा कौन सा डायमेंशन है जिसमें सोल्स रहती है? वेल, विज्ञान के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं है, पर श्रीमद् भगवद गीता में डायमेंशंस ऑफ गोस्ट को वेल डिफाइन किया गया है। भगवद गीता में गोस्ट को एक स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ बीइंग कहा गया है जो कि सबटलर डायमेंशन यानी कि सूक्ष्म आयाम में एग्जिस्ट करते हैं। भगवद गीता के अनुसार इन सबटलर डायमेंशंस में रहने वाली सोल्स के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर होती है, जिससे ये सोल्स और गोस्ट सटल मैटर यानी कि सूक्ष्म पदार्थ और कभी कभी ग्रोस मैटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना।